बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस एंड लेक्चर नंबर 15। यूनिट नंबर 6 इज हियर। योर टॉपिक इज यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल। जी हाँ, ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन की क्या जो है यूजेज हमारे पास, यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, ये एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम इसको कमर्शियली इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज किया जाता है अगर, और दूसरी हिसाब में भी इसको यूज किया जाता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट थिंग्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स वगैरह भी बनाता है। सो आइए देखते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। देन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड बट नॉट बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल में बात करें, सनअती स्केल में, तो बड़ी मिकदार में जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता या इसको बनाया नहीं जाता। उसके अलावा आपको पता होगा कि लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होता है। सो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर इज द प्रोसेस वेयर बाय एयर इज फर्स्ट कूल्ड टू बिकम अ लिक्विड विच इज देन बॉइल्ड टू इवेपोरेट द नाइट्रोजन पोर्शन। अगर हम बात करें ना लिक्विफिकेशन की, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले एयर को कूल किया जाता है, जो हवा होती है उसको ठंडा किया जाता है, उसको क्या बनाया जाता है, उसको लिक्विड बनाया जाता है। उसके बाद उसको बॉइल किया जाता है, उसको वेपोरेट किया जाता है। वेपोरेट का समझ लिया ना, मतलब आप बुखार बन के उड़ना, और फिर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन पोर्शन को उसको खत्म कर दिया जाता है, एयर में से लेना है। सो यू नो सबसे ज्यादा क्वांटिटी एयर के अंदर नाइट्रोजन की है। वेन व्हाट रिमेन्स इन द लिक्विड ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजन इज देन स्टोर्ड इनटू द स्टील सिलेंडर एंड इज नीडेड फॉर यूज। ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टील सिलेंडर ही है। इसको ज्यादातर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। द पेशेंट विद क्रिटिकल सिचुएशन, उनको ये जो है सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन। कोई भी पेशेंट है जिसको सांस लेने में मसला है, और उनको स्पेशली ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम, वो एयर में से डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, उनके इलाज के दौरान उनको लगाई जाती है। ये पहली चीज आपने इसमें देखी। उसके बाद अगर हम बात करें, सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज यूज एक्सटेंसिवली इंडस्ट्री, स्पेस रिसर्च एंड मेडिसिन, यहाँ पर इनका इस्तेमाल बहुत होता है। हियर आर सम ऑफ द वेज इन विच ऑक्सीजन इज यूज। कुछ चीजें देखते हैं साथ साथ हम, इफ यू डिस्कस अबाउट दिस वन, पहले अंदर से देखते हैं स्लाइड में से, फिर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स इसके बताऊंगी कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्यों इसको जो है किस फॉर्म में डाला जाता है। फर्स्ट थिंग, वेन यू ब्रीथ यू यूज ऑक्सीजन इन द एयर। पहली चीज ये आपको माइंड रहनी चाहिए कि जो आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है। आप एयर में से फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस है। ये फर्स्ट थिंग इसमें ये हो। सेकेंडली, ऑक्सीजन ट्रेवल्स थ्रू योर लंग्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू योर बॉडी। ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रेवल करता है आपके फेफड़ों में से ब्लड की तरफ। आपने फ्रेश एयर कंज्यूम की, आपने उसमें से ऑक्सीजन लिया, वो आपके लंग्स में गया, उधर से आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसने आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फैला दिया, ये इसका यूज हो गया। एंड यू कुड नॉट लिव लॉन्ग विदाउट स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए, क्या होगा, यू विल ऑटोमेटिकली डाई, मर जाए क्या, ये हो सकता है। ये अगर ऑक्सीजन है तो आपको मिल रहा है, ठीक है, डेट्स ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरी चीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, वैसे ये डायटोमिक होता है, O2 की फॉर्म है जिनको हम कंज्यूम करते हैं। एंड ऑक्सीजन समटाइम फॉर्म्स अ ट्राइटोमिक थ्री ऑटम मॉलिक्यूल सच एज कार्ड ओजोन। ओजोन गैस जो है इसके बारे में भी है। ओजोन कोलैप्स इन अ लेयर इन द अपर एटमोसफियर विच इट स्क्रीन्स आउट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये भी जो है ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी के सेंस में आ जाता है। अब हमारे पास है कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसको, उनको रेस्पायरेशन के लिए
सांस लेने के अमल के लिए चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड इट इज यूज्ड एज एन एड टू ब्रीथिंग व्हेन द नेचुरल सप्लाई ऑफ एयर इज इनसफिशिएंट. फॉर एग्जांपल इन एरोप्लेन्स इट इज यूज्ड, एरोप्लेन्स इन स्पेस कैप्सूल्स एंड अंडर सी डाइविंग. जो सी अंडर डाइविंग होते हैं ना, जो समुंदर के अंदर गोताखोरी करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है. एंड इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड रस्टिंग, जलने के अमल में, रस्टिंग के अमल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स टू से रस्टिंग कट कर देते हैं. इट इज असेंशियल फॉर द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसके खात्मे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस एंड फॉर पेशेंट्स इन केस ऑफ सफोकेशन और लंग डिजीज एज इन निमोनिया. ये बेसिक पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रही हूँ. पहले मैंने ओवरऑल थोड़ा सा आपको इसका दिया था कॉन्सेप्ट, अब मैं बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. एंड ऑक्सीजन, लास्टली ऑक्सीजन वेन मिक्सड विद सर्टन अदर गैसेज सच एज हाइड्रोजन और एसिटिलीन कैन प्रोड्यूस अ फ्लेम विद अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सच फ्लेम इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल ऑर्स. ये पहली दफा शायद आप सुन रहे हो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कटिंग और वेल्डिंग मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है. कैसे होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसको हम दूसरी गैसेस के साथ मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कर लें या एसिटिलीन के साथ कर लें, तो वो एक फ्लेम बनाती है जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो. ठीक है, जब वो इतना बढ़ा देंगे उसका टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनेगा और आपके पास ऑक्सीजन की वेल्डिंग और कटिंग के लिए इसकी एक चीज तैयार हो जाएगी, जिसको आप वेल्ड करने के लिए, कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्टली एक पॉइंट है हमारे पास कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टील. ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए और स्टील बनाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड? ओके, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड में क्या फर्क है? दीज ऑक्साइड दैट डिजॉल्व इन वॉटर एंड टर्न ब्लू लिक्विड रेड आर टर्न एज एसिडिक ऑक्साइड. ऐसे ऑक्साइड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनको हम पानी में हल करते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं. ठीक है, नीले को वो रेड मतलब सुरख में बदल दें, वो हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड. एंड इवन डिस्कस अबाउट बेसिक ऑक्साइड्स, दोज डेट डिजॉल्व इन वॉटर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ऑपोजिट हो गया ना, उन्होंने क्या किया, एसिडिक ऑक्साइड ने ब्लू लिटमस को रेड किया जबकि बेसिक ऑक्साइड ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू किया, और इसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स. एंड क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एसिड एंड अल्कलीज. एसिड और अल्कलीज को आपने डिफाइन करना है कि एसिड क्या है और अल्कलीज क्या है. पहली चीज है आपके पास एसिड. सो एसिडिक, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिडिक डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड. कोई भी एसिडिक ऑक्साइड अगर आप पानी के अंदर हल करेंगे तो वो एसिड बनाएगा, मीन्स टू से डेट विल जनरेट एच. एंड अल्कलीज, यहाँ पे जिसको हम बेस कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड कॉल्ड अल्कलीज. तो वो हाइड्रोक्साइड मीन्स टू से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओ एच ग्रुप पानी के अंदर देंगे तो वो हमारे पास बना देंगे अल्कलीज. तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर एंड्स हियर. वी विल मीट विद न्यू टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.